हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम की बैठक, कहा 28 अक्टूबर को सभी बूथों पर चलेगा विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान। 1 नवंबर से जिले में शुरू होगी धान खरीद की प्रक्रिया, जिलाधिकारी ने कहा 90 केंद्रों पर किसान कर सकते हैं अपने धान की बिक्री। त्योहारों के मद्देनजर सिटी मजिस्ट्रेट की टीम ने की खोवा मंडी में छापेमारी, सैंपलिंग लेकर भेजा जांच को, कहा चलता रहेगा मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान। जिले में 25,000 और शौचालय निर्माण की मिली अनुमति, डीएम ने कहा विशेष अभियान चलाकर लोगों को किया जाएगा खुले में शौच से रोकने के लिए जागरूक। चित्रकला प्रदर्शनी का दीप प्रज्वलित कर कुलपति ने किया शुभारंभ, समाज के विभिन्न पहलुओं को पेंटिंग के माध्यम से कलाकारों ने दर्शाया। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई आईटीआई के छात्रों की अप्रेंटिस संबंधित बैठक, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। गांधी के स्वच्छता के सपनों को साकार करने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों ने लिया शपथ, किया वृक्षारोपण। गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत सप्ताह समारोह के अंतर्गत आयोजित हुई व्याख्यान माला, वक्ताओं ने योग से हठ योग विषय पर रखे अपने अपने विचार। बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर विश्व जनसंख्या स्थिरीकरण परिषद ने दिया धरना, कहा चाइल्ड फैक्ट्री बन रहा है हमारा देश। मानदेय वृद्धि को लेकर रसोईया कार्यकर्ता कल्याण समिति ने शुरू किया आंदोलन, कार्य बहिष्कार कर बैठी अनिश्चितकालीन धरने पर। नगर निगम कर विभाग के नोडल अधिकारी का निलंबन हुआ वापस, काम पर लौटे सभी कर्मचारी। और उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों ने किया अमृतसर रेल हादसे को जुडिशियल इंक्वायरी कमेटी द्वारा जांच की मांग, मृत आत्माओं के लिए रखा 2 मिनट का मौन।